नहीं, मान लीजिए अगर वो आपके लिए व्रत रखें आपके कहने पर, तो आपको अच्छा लगेगा? वो नहीं रह पाते व्रत, क्यों? वो उनको भूख बहुत लगती है वो रह ही नहीं सकते व्रत। तो इसका मतलब ये हुआ कि करवा चौथ के दिन मैंने सोमवार का व्रत इस बार रखवाया तो पूरे दिन बनाती नहीं मैं, एक पला जल्दी मैं कहती भैया तुम व्रत नहीं रखो हम ही कर लेंगे तुम्हारे बदले। मतलब ये है कि वो करवा चौथ के दिन बस देवता बन के खाना खाने को बैठ जाते हैं? नहीं, देवता बन के नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, वो देवता नहीं, मतलब है तो इंसान ही। बढ़िया से, मतलब किस तरह से आप लोगों का करते हैं, जैसे दो टाइम खाना खाते हैं तो भाई एक टाइम बना दीजिए, नहीं परेशान हो। अच्छा, वो रात वाला ही खाना खाते हैं? हाँ, इनमें वो मतलब आपको कह देते मत बनाओ? हाँ, तो इससे आपको हेल्प हो जाती, खुशी होती है जब वो मना करते हैं एक टाइम हम आपके लिए चलो अच्छा लगता है, अपने लिए कोई कुछ करे तो अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा कि उनसे कहा जाए कि पूरे दिन जैसे आप व्रत रखती हैं वो भी रखें? नहीं, मैंने नहीं। अगर आप कहेंगे तो क्या वो मानेंगे? हाँ मानेंगे, लेकिन कहा नहीं। क्यों? बस ऐसे। आप बोलेंगे कि वो एक टाइम का छोड़ सकते हैं तो बिना पैसे भी रह सकते हैं? कहेंगे तो रह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। कभी क्या था, टूर है, बाहर जाना है, कभी कभी काम ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं रह पाते, इस वजह से मैंने मतलब आप उन पर करवा चौथ के दिन खास तौर से दयावान हो जाती हैं। ख्याल तो बहुत रखते हैं हमारा। किस तरह का ख्याल रखते हैं? मतलब हर कामों में, मतलब हाथ बटवाना, वो कहते हैं कि मत नहीं, मत रहो पास, फिर भी आप रहती हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बात आप मान नहीं रही, उन्हीं के लिए व्रत रख रही? नहीं, हम दोनों मतलब अपने लाइफ। आपने इस व्रत को रखने के पीछे क्या कारण है, क्यों रखती हैं आप उनके लिए व्रत? पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। कितनी लंबी करना चाहती हैं उनकी उम्र? जितनी लंबी है उससे और लंबी उम्र हो जाएगी। अच्छा, तो बाकी दिन और नहीं रहता? नहीं रहता है, लेकिन कभी कभार आउट ऑफ वे भी चले जाते हैं। उस दिन जब दिन भर आप उनके लिए भूखी प्यासी रहती हैं तो आप उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है आप उसमें कुछ चेंज पाती हैं बाकी के दिनों के अलावा? जब हम भूखे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें चिड़चिड़ाहट इसलिए आती क्योंकि उनको थोड़ी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ समय से ऐसा हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी। आप से अगर ये कहा जाए, आप अगर अपने पति को ये आग्रह करें कि चूंकि मंगल कामना आप उनकी रख रही हैं, अगर आप उनसे कहें कि एक दिन आप भी हमारी मंगल कामना के लिए ये व्रत हमारे साथ रखो, तो क्या वो आपकी अपील मानेंगे? मान भी सकते और नहीं भी मान सकते, क्योंकि वो भूखे वास्तव में नहीं रह सकते। अगर सिर्फ मंगलवार को अगर वो आपके लिए इस व्रत को कबूल कर लें, मान लें और वो रहने लगें, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो रख नहीं सकते पक्का, क्योंकि उनकी धारणा है कि ये व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए बना हुआ है, बल्कि ऐसा है नहीं। कुल परिवार समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता, माता पार्वती ने व्रत रखा था सबसे पहले, जो कि नारद पुराण से ही उठाया गया है करवा चौथ का व्रत। अच्छा से मतलब? अच्छा से मतलब उस जिस तरह से मैं फील करती हूँ उस फेस्टिवल को, वो भी उसी तरीके से फील करते हैं और उन्हें भी ये लगता है ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरी। तो वो आपके काम में कुछ मदद करते हैं या देवता बने बस बैठे रहते हैं? वो देवता है, उस दिन तो देवता ही बने बैठे रहेंगे, काम तो कोई नहीं कराते। प्रियंका जी, अगर आपसे एक सवाल कहा जाए, जैसे आपने उनकी मंगल कामना के लिए वो आप व्रत रखती हैं, ये तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा आदर है पुरुष के प्रति, अगर क्या आपके मन में कभी इच्छा आई हुई कि वो भी आपके लिए व्रत रखें? हाँ बिल्कुल। तो कभी आपने उनसे कहा और उन्होंने रखा? मैंने कहा नहीं, फिर भी उन्होंने बिना कहे ये व्रत जितने साल मुझे हो गए हैं वो भी रखते हैं। 20 साल से रखते हैं? हाँ। महिलाएं आमतौर पर पुरुष की मंगल कामना के लिए, उसको अमृत प्राप्त करने के लिए, मंगल सूत्र सुरक्षित रखने के लिए ये व्रत रखा करती हैं। क्या आप चाहेंगे कि इस करवा चौथ पे आपके पति भी आपके साथ रहें?
अंडरस्टूड मैम, मैं तो चाहूंगी कि आदमियों को भी रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए भाई। जब आप सारी महिलाओं से अपेक्षा करते हैं कि हमारी लंबी उम्र की कामना करें, तो पत्नियां भी चाहती हैं कि भाई हमारी भी लंबी उम्र के लिए आप व्रत रखें, और रखना चाहिए। दोनों लोग साथ साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा एक दूसरे की, कम से कम जब अपन दोनों पहिए एक साथ साथ है, दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखें, दोनों लंबी आयु जिए, लंबी आयु जिए, साथ साथ जिए। मेरा सवाल अगला ये भी है इसमें कि जिस दिन आपका ये व्रत होता है उस दिन आपके पति किस तरह का रिएक्ट करते हैं आपके जीवन में, उस दिन खास तौर से? उस दिन थोड़ा सा हम लोग पे ध्यान देते हैं भाई, कि जैसे गर्मी होती है कि थोड़ा काम नहीं करो, कुछ नहीं करो, आराम रेस्ट करो भाई। उनकी लंबी उम्र का तो नेचुरली ध्यान तो देंगे ही देंगे। और हम लोग को साड़ी मतलब सारे सुहाग के सामान सब खरीदवाते हैं, अच्छा लगता शाम है। को शाम को चंद्रमा के टाइम प्रेजेंट रहते हैं, वैसे तो नहीं रहते बट उस टाइम प्रेजेंट रहते हैं, और अच्छे से पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं साथ में बैठ के हम लोग इकट्ठे खाना खाते हैं। जब मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो मैंने अपने पति के व्यवहार में एक सकारात्मक रवैया देखा है, और मैंने देखा है कि वो अधिकाधिक मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, मैं जो भी कार्य करती हूँ उसमें वो बहुत सहयोग करते हैं। सारे दिन वो लेकर के आते हैं कि ये पूजा का सामान ले आओ, एटलीस्ट मेरे पूजा का सामान लगाने में और पूजा करने तक में वो बहुत सहायता करते हैं। छत पे दौड़ के चांद देखने में, बिल्कुल छत पे दौड़ के चांद देखेंगे। यहाँ भी कभी कभी तो वो पूजा की थाली भी पूरी लगा देते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, मैं लगा देता हूँ, तो पूरा सहयोग करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो व्रत रह करके ही वो ये जता सकते हैं कि मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। तो ये तो देखिए अब प्रत्येक पति की अपनी भावना अपने पत्नी के प्रति है। और जहाँ तक मैं करवा चौथ के त्यौहार को मैं इसलिए लेकर के सोचती हूँ कि जो रिश्ते जो होते हैं ना, केवल आप जानते हैं कि रिश्तों में खट्टी मीठी कड़वाहट और महक सब कुछ होता है, तो जो साल भर की हमारी जो कड़वाहट होती है वो कहीं ना कहीं महकती है करवा चौथ वाले दिन, तो मुझे भी अच्छा लगता है। वो मेरे लिए स्पेशल गजरा लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, सारी तैयारी मेरे साथ रहते हैं। अगर वो करवा चौथ का व्रत रहेंगे तो हो सकता है मुझे भी उनके साथ इतना ही सपोर्ट करना पड़े। वैसे वो इच्छुक रहते हैं पर उनकी वो चूंकि रेलवे में है तो उनका जॉब भी टेढ़ा है, हाँ जॉब भी टेढ़ा है, तो मैं उनको कभी नहीं कहती हूँ। हाँ वो रहना चाहें तो एक अलग अलग का विषय है, उनका बिहेवियर तो नॉर्मल डेज की तरह रहता है, कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं से मेरी बात ही उनका कहना है कि उस दिन पति उनकी ज़्यादा केयरिंग करते हैं, दौड़ दौड़ के सामान और सब कुछ काम में मदद करते हैं। हाँ करते हैं कुछ लोग, जैसे आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कुछ नहीं करते। बस शाम को खाना खाने का इंतजार करते, चांद निकलने का चांद निकलने का इंतजार हम करते हैं कि चांद निकल आए और वो दुकान से आ जाए। वैसे तो चांद का इंतजार उनको नहीं रहता है, उनको जब दुकान बढ़ानी है तभी दुकान बढ़ा के आते हैं, ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी साइड। 15 साल से ऐसा ही चल रहा है? हाँ ऐसे ही चल रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने पति को ये कहें कि वो भी आपकी मंगल कामना के लिए व्रत रखें, तो क्या वो मानेंगे? वो रख ही नहीं पाएंगे और हम कहेंगे भी नहीं। क्यों नहीं रख पाएंगे? वो नहीं रख, उनकी आदत, वो भूखा रह नहीं पाएंगे जब वो काम नहीं। एक्चुअली अब उन पे मेहनत का काम इतना है कि वो जो भी है, और फिर ये चीजें हम लोगों को मैं अपनी खुशी देखिए, वो नहीं चाहते कि मैं रखूं, मैं अपनी खुशी से रखूं। अगर वो रखे तो आपको लगेगा कैसा? अच्छा लगेगा। दिन भर जब आप भूखी प्यासी रहती हैं उस दिन, तो किस तरह से आपके पतिदेव आपको सहयोग करते हैं? हमारे पतिदेव बहुत सहयोग करते हैं। क्या सहयोग करते? खाना बना देते हैं? नहीं खाना नहीं, और अपने काम में हाथ बटा देते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आपकी मदद करते हैं वो? जैसे कुछ अगर नहीं हम कर पाते जल्दी तो वे कर देते हैं। रात में जब चांद देख के आप उन्हें खाना आना खिलाती हैं, तो क्या वो चांद का इंतजार करते हैं? हाँ, इंतजार करते हैं। दौड़ दौड़ के छत पे जाते हैं ये देखने के लिए। कैसा लगता है आपको जब आप उनके लिए दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं? अच्छा लगता है, जो व्रत तो पति देव का है इसलिए। कभी आपने सोचा कि ये व्रत वो भी आपके लिए रखें तो? नहीं हमने
मैंने तो नहीं सोचा लेकिन ये जब हम व्रत तोड़ते हैं तभी तो पति देव भी खाते हैं, वो तो देवता बन के खाते हैं। आप तो व्रत में बैठी हैं, फिर वो आपकी उस दिन क्या मदद ऐसे करते हैं? बैठे रहते, व्रत है तो इसका मतलब जो थोड़ी ना कि बैठ ही जाए, काम करती हैं पूरा काम और उनसे भी करवाती हैं? नहीं ऐसा नहीं करवाती, खाना वाना तो हम ही बनाते हैं, बस वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के लिए ही बैठ, नहीं ऐसा नहीं है कि खाने के लिए ही बैठ जाते हैं। अरे जैसे कोई भी काम में, घर में बहुत से काम होते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहते ही नहीं है कहीं करवा चौथ व्रत ऐसा है नहीं। वैसे अगर आपकी भी वो देख रेख के लिए, मंगल कामना के लिए अगर करें तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, हर चीज़ का प्रयोग करते हैं, सामान लाना ये करना और थोड़ी व्यवस्था भी कर देते हैं कभी। चूँकि आप दिन भर से भूखी प्यासी होती हैं, वो व्रती बहुत कठिन होता है, तो कभी खाना बनाने में भी मदद करते हैं? हाँ थोड़ी बहुत करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। और फिर वो आपको बताते हैं दौड़ दौड़ के ऊपर जाकर के अब चांद निकल आया? नहीं वो नहीं बताते, वो कहते बाद में बताते हैं, जब बच्चे बताते हैं कि चांद निकल आया। हाँ क्योंकि वो तो व्रत है नहीं, हाँ। भूखी तो आप हो उनके लिए, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए भी उनको रहना चाहिए ये व्रत? रहना तो चाहिए, आजकल आदमी लोग रहते कहाँ है, क्यों उन लोगों में भूख बर्दाश्त नहीं होती, भुक्कड़ होते हैं आदमी। तो आपको अगर एक बार आप इस बार प्रयास करें, आप कहें उनसे अपील करें, तो क्या लगता है मानेंगे वो आपकी? नहीं मानेंगे क्योंकि भूख बहुत लगती है, उनको डायबिटीज की शिकायत है इसलिए भूख लगती है। तो फिर आप उनको बस शाम को जब आप पूजा करती हैं, पूजा के बाद खाना खाने को बैठ जाते हैं? बस नहीं बैठ नहीं जाते, थोड़ा बहुत हम लोग को करते हैं, उसके बाद खाना खाने बैठ जाते हैं। मतलब इंतजार तो खाने के ही करते हैं ना, और पूजा का करते हैं? पूजा उस दिन करवा चौथ के देवता है ना। हाँ करवा चौथ के देवता है, हमारी दिनचर्या यही रहती है कि भाव से ही व्रत रहे जाते हैं, मतलब पति की सेवा पूरी होनी चाहिए और उनके लिए ही व्रत रहते हैं हम। तो क्या बाकी दिन आप भाव से नहीं इनकी सेवा करती? हमेशा ही रहता है। तो उस दिन आपके पति का आपके साथ कैसा भाव रहता है? बहुत अच्छा। क्या करते रहते वो आपके, आपने तो व्रत रख लिया तो वो आपकी क्या उस समय मदद करते, किस तरह से आपका वो जितना समय मिलता उतना ही हेल्प कर पाते, वो ड्यूटी भी जाते हैं जी। आपके पति जी जिस तरह से आप उनकी मंगल कामना करती हैं, अगर आप उनसे कहें कि वो भी आपके लिए व्रत रखें, मंगल कामना करें, ये तो बराबरी का मामला है ना, तो क्या आप वो उनसे अपील करना चाहेंगी? जी नहीं। क्यों? ये तो अपनी उनसे नहीं, जो करना है मुझे अपने से करना है। भाई आप उन्हें 7 जन्मों के लिए अनुबंधित कर रही हैं, तो उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है आपके लिए? जी नहीं, वो बस वो तो मैं अपने ही, वो बस सिर्फ पूजा कराएं और खाना खाएं और सो जाएं। अच्छा आप हमें ये बताइए कि आप उनके लिए दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, क्या आपने कभी सोचा कि वो भी आपके लिए व्रत रखें तो अच्छा होगा? सोचा है। तो कभी कहा उनसे आपने? नहीं हमने नहीं बोला, हम ही रहती हैं। नहीं वो तो रहती हैं, हाँ। आप रहती कभी, अगर आप कहें उनसे कि आपकी मंगल कामना के लिए वो व्रत रखें तो रखेंगे वो? तो इस बार कहेंगे आप, मान जाएंगे वो? नहीं वो अब मैं रहती हूँ, जैसे कहेंगे तो मान जाएंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है, वो पूरा मेरा ध्यान रखते हैं, और उस दिन ये नहीं होना चाहिए कि उसी दिन, वैसे मेरा 365 दिन वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और स्पेशली ये नहीं कि करवा चौथी के दिन मेरे गृहस्थी में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, मेरी जॉब में सहयोग करते हैं, हर तरह से मेरी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और मेरा बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। सजा जी अगर उसी दिन की बात की जाए तो जैसे कई महिलाओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है उस दिन उनके पति बहुत ध्यान देते, खाना खाने और बनाने से लेके दौड़ दौड़ के चांद देखने जाते हैं, क्या ऐसा आपके यहाँ भी होता है? हाँ वो करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं उस दिन, वो भी जाते हैं देखते हैं और पूरा उस दिन हमारा साथ सहयोग करते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन, वो तो मेरे मैंने जैसे आपसे पहले कहा 365 दिन मेरा सहयोग करते हैं,
और ध्यान रखते हैं। ये हमारे शास्त्रों में इस तरह से करवा चौथ का व्रत रखना, मतलब ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में पति की उम्र के लिए इस तरह के व्रत रखा। यदि इस तरह की कोई परंपरा होती तो बाखूबी मेरे हस्बैंड इस तरह का व्रत रखते। और मतलब मंगल कामना क्या है, व्रत से ही नहीं होती है मंगल कामना। वो 365 दिन मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए मंगल कामना ही करती है। मतलब कामना किया करो, व्रत रखा करो बस। तो वो करती हैं घर का काम फिर? नहीं, बच्चे करती हैं, मैं संगे साथ में, मम्मी का बस। वो बस उपदेश देते हैं आपको कि आप ना दुकान पे रहती हैं ना। अच्छा, सवेरे से 10 बजे से दुकान पे चली जाती हैं। अच्छा, के बच्चों से के मम्मी के साथ दे ले, दे देना। अच्छा, फिर चांद निकलने से पहले दुकान छोड़ के आ जाते हैं? नहीं, वे 7 बजे आती है। तो चंद्रमा भी 7 बजे निकलता है? 6:30 पे आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो अगर आप के लिए वो भी व्रत रखे तो आप चाहेंगे कि अच्छा लगेगा आपको? भी नहीं रख पाते हैं। क्यों भी रह नहीं पाते ऊपर? नहीं, क्यों नहीं रह पाते? भी कहते हैं हम पे सत्य नहीं है। सामने को कौन सी पहलवानी करना उसमें? नहीं सत्य है। आप अगर मान लो वो आप कहें और वो मान जाए। हाँ, कौन कौन दिन रह लेती हैं? तो साल भर में करवा चौथ तो एक ही दिन आता है। नहीं तो करवा चौथ नहीं रहते ये बात तो। और व्रत रख लेते हैं आपके साथ? अच्छा, मान लो वो आपके लिए रहे व्रत तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं, क्योंकि हम तो रहते हैं बेकार होंगे उनके प्यासे। आप उन पे उस दिन दया कर देंगे? हाँ। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।